नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। हमारे सामने आप देख सकते हैं डमर बाबा की पड़ती है, जो पावन भूमि है। और यहाँ पर कल रात्रि को लगभग, जिस तरह से बताया जा रहा है, 10 बजे करीब एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की जो है दर्दनाक मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से बलिया हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यह बलिया जिला का जो है बेलथौर तहसील है, और जमीन सिसण जो है गाँव में यह हादसा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो मौजूद है, जिनका यहीं पर मकान है, दुकान है, उनसे जो जानेंगे कि हादसा जो है कब हुआ और क्या स्थिति रही है। गाड़ी की आपको स्थिति भी दिखाएंगे, गाड़ी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और जहां तक आप देख पा रहे हैं, जो हमारे पीछे करीब वो गाड़ी 50 मीटर के दूरी पर जो खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे उसके जो पार्ट पुर्जे जो है बिखरे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो उसका जो है सबसे पहला जो है पार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो संभवतः जिस तरह से माना जा रहा है कि यहाँ से ही गाड़ी जो है वो एंट्री हुई है उसकी, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग है काफी। जी, ये अपना परिचय दीजिए आपको। मेरा नाम निशु भास्कर है। तो ये हादसा हुआ है, इसके बारे में बताएं कैसे। जिसे खाओ के सोए हुए थे, ये 10:15 पर हुआ। जब आवाज सुनाई हो लड़ी तभी हम लोग निकले हैं बाहर घर से। उसके बाद देखे तो देखे जो है तो पड़े हुए हैं सभी जगह जी। उसके बाद तुरंत 112 या 108 को तो कॉल किया गया। वहां जाते में लेट हुआ, लेकिन तब तक की गाड़ी आ गई ना, उसमें लेट हो गया। गाड़ी में कितने लोग थे? दो लोग ऐसे चलते हुए बात करते हैं। दो लोग थे। हाँ, तो जब आप लोग निकले हैं और देखे हैं, तो उस समय किस हाल में थे दोनों? ये लड़का एक यहाँ पड़ा हुआ था। यहाँ पर? हाँ, एक लड़का उधर पड़ा हुआ था, देखिए जूता है उधर। हाँ, वहां पड़ा था। हाँ हाँ गाड़ी वहाँ है, लड़का है। हाँ, जब ये जगह, ये जगह। तो आप देख रहे हैं, जिस तरह से यह बता रहे हैं जो शवाहिद हैं, आपकी मकान वही है। हाँ, मकान पास ही में है। जब गाड़ी की आवाज सुनकर के वो बाहर निकले हैं, तो देखे हैं कि यहाँ पे जो है एक लड़का जो है पड़ा हुआ था, गाड़ी वहाँ खड़ी हुई। दूसरा लड़का उधर पड़ा हुआ था किनारे, उसको ध्यान हम लोग बाद में देखे, हम लोग इसको पहले फर्स्ट में देखे। हाँ, तो उसकी पिताजी जब आए तो कहने लगे कि वो मेरा भी लड़का था, तो उसको खोजा गया, तो उधर मिला किनारे में लड़का। हाँ, दोनों लड़के रहने वाले कहाँ के? सिसण कला के हैं। उनके नाम और पिताजी का नाम आपको पता है? जी, एक शिवम यादव करके, शनाब मुकुंद यादव सिसण कला, और एक है दीपक शर्मा, शनाब दिनेश शर्मा, स्वर्गीय हैं वो। हाँ जी, दोनों सिसण कला के। हाँ हाँ दोनों। तो जब आप लोगों ने देखा, जब यहाँ पड़े हुए थे, तो दोनों की हालत क्या थी? दोनों बोलने की स्थिति में थे? दोनों थे सर, दोनों बेहोश थे। हाँ, तो कुछ लोग आए तो दावे में सीना होना, तब तो थोड़ा सांस उछलने लगा, तो फोन उन्होंने लगाया। दोनों का सांस चलने लगा। तो हाँ, दोनों, हाँ दोनों चल रहा। फिर आप लोगों ने जो फोन किया, तो पहले सबसे पहले 112 नंबर को। हाँ, डायल किया गया, तो अभी तो आए नहीं जैसे। हाँ, तुरंत नहीं आए वो लोग। हाँ, तब देखिए फोर व्हीलर जा रहा था, तो वो रुके, बताया गया उनको, तो ठीक है, जो सीरियस था लड़का जिसका ब्लड गिर रहा था, उसको लोड किया गया, तो उसको ले गए हॉस्पिटल। हाँ, उसके बाद एम्बुलेंस आधे घंटे बाद आया, तो इसको ले गया। तो पहले आप कह रहे हैं कि जो शिवम यादव हैं, उनको एम्बुलेंस ले गई या? नहीं, वो तो प्राइवेट गाड़ी में गए शिवम यादव। हाँ, फर्स्ट में वही गए, उनका ब्लड चल रहा था। हाँ, ये गए जो दीपक शर्मा थे, ये एम्बुलेंस। हाँ जी, दीपक शर्मा को पहले जो है हाँ, जैसे ले गया था, जो नहीं, पहले शिवम को पहुंचाया गया प्राइवेट गाड़ी से, उसके बाद आई उसे एम्बुलेंस, तो हो गया। हाँ, स्थिति क्या है इस समय? ये है कि वो तो लड़का जो है शिवम यादव इस पार कर गया, इसका गया हॉस्पिटल तो ठीक ठाक था, अभी सांसें चल रही थी, तो वहाँ से रेफर किया प्रकाश हॉस्पिटल मऊ के लिए। हाँ, रास्ते में इस पार किया वो। हाँ, आइए तो आइए, बनिया है रेफर जो है दीपक शर्मा जी। तो आप गाड़ी देख पा रहे हैं, जो गाड़ी की स्थिति, इधर आ जाइए, आगे थोड़ा दिखा दीजिए। MH 48 AC 2672 जिसका नंबर है, यह महाराष्ट्र का जो है नंबर पता चल रहा है। यह भैया गाड़ी ये किसकी थी आपको पता दीपक शर्मा की थी। गाड़ी तो वही चला रहे होंगे, हाँ वही चला, कितनी होगी उनकी? लमसम उसका 40 वर्ष, मान के जाइए कि 30, मान के जाइए 30 वर्ष। हाँ, उनके बच्चे से भी? हाँ, दो तीन लड़के हैं। और ये जो शिवम यादव थे, ये लड़का था। हाँ, ये स्टैंड अप पढ़ने वाला, ऐसा शादी नहीं हुआ था। और पता चला है कि दो, ये जो शिवम यादव हैं, सिर्फ इकलौते हैं और सिर्फ भाई बहन थे? हाँ, दोनों ही इकलौते लड़के हैं। हाँ,
अभी जो शर्मा जी हैं उनकी हालत के बारे में कुछ पता चला है कि? मैंने एडमिट है, ठीक है अभी। हाँ बलिया ही है जी। तो देख सकते हैं आप जो गाड़ी की हालत, तो आप देख ही पा रहे हैं पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है गाड़ी, चूंकि वहां से जो पलटी हुई जिस तरह से भाई साहब जो बता रहे हैं, और जूता जो है वहां पड़ा हुआ है। एक जो शिवम यादव वहां पड़े हुए थे, और एक का नाम क्या बता रहे थे, दीपक शर्मा, वहां पड़े हुए थे। इन लोगों की तत्परता थी कि जिसके बाद जो है 112 नंबर को जो फोन किया गया, फिर घर वाले भी आए तो प्राइवेट गाड़ी से जो है एक को ले जाया गया और दूसरे को जो है एम्बुलेंस के जरिए सीएससी पहुंचाया गया। तो जिसमें दुर्भाग्यवश जो एक अभी वो तो इकलौता जो है चिराग थे अपने घर के, वो अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी जो है इस हादसे में जो है मौत हो चुकी है। तो यह बहुत ही दर्दनाक और भयावह जो है घटना है जो आपके सामने है। और स्पीड लोग बता रहे हैं कि स्पीड जो है बहुत तेज थी गाड़ी की। बहुत स्पीड थी, स्पीड ही इसका जो है कारण रहा होगा। जी जी हाँ, कुछ जो है टर्निंग पॉइंट भी आ गया। हाँ हाँ, उसी कारण मुड़ा नहीं पाया, सब स्पीड ही थी ज्यादा। हाँ, गाड़ी चलाते हुए कम से कम जो है लोगों को जो है सावधान रहना चाहिए, चूंकि यह रोड पे बहुत सारे जो है टर्निंग है, क्योंकि यह मेन रोड तो है नहीं, लिंक रोड है, लोग दूसरे रोड को जोड़ने वाला रोड है। तो यहाँ पे जो टर्निंग जो है आपको अधिक मिलेगी, और डमो बाबा की जो पड़ती है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज्यादातर जो टर्निंग है, तो टर्निंग पे सावधानी अगर हटती है तो दुर्घटना होने का जो है अधिक जो है चांस रहता है। और जिस तरह से जो बताया जा रहा है उससे यही पता चल रहा है कि उस गाड़ी की जो स्पीड अधिक थी और टर्निंग पे जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यह बड़ा जो है हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो चुकी है और दूसरा जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है दूसरे युवक की हालत जो है ठीक है, और जिस तरह से जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका जो है मकान है यहीं पर है, उनके द्वारा जो बताया गया तो उससे पता यह चलता है कि कहीं ना कहीं या तो शीशा जो है टूट गया हो या गेट खुल गया हो, जिसकी वजह से जो है दोनों लोग गाड़ी से जो है बाहर निकल गए थे, बाहर फेंका गए थे। एक की बॉडी जो वहां पड़ी हुई थी, एक जो है वहां पड़े हुए थे, जिसके बाद इन लोगों ने उसे पंपिंग वगैरह किया तो जो सांस जो चलती हुई महसूस हुई, जिसके बाद जो भेजा गया सीएससीआर, वहां पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में जहां एक की मौत हो गई तो दूसरा जो है का इलाज जारी है। भारत मीडिया के घनश्याम शर्मा के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।